हेलो मेरी प्यारी फैमिली, स्वागत है आप लोग का मेरे एक नए व्लॉग में। और आज राजवीर के बड़े पापा कहीं काम से जा रहे हैं, तो मैं और राजवीर भी साथ में जा रहे हैं। राजवीर राजवीर आज ट्यूशन नहीं गया है, बोला नहीं आज बड़ी मम्मी और बड़े पापा साथ जाना है, इसको घूमना है। आज घर में बोर हो रहा था ना बेटा, बोर हो रहा था आज राजवीर, तो इसके बड़े पापा का काम भी हो जाएगा और हम लोग घूम भी लेंगे। हमारे रांची का बड़ा तालाब देखिए, और वहां देखिए स्वामी विवेकानंद की कितनी बड़ी प्रतिमा है। देखिए तो हम लोग पहुंच चुके हैं हार्डवेयर शॉप पे, और यहाँ से जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ आपको, मेरे घर में काम लगा हुआ है तो कुछ न कुछ सामान तो लगा ही रहता है, लेना ही रहता है हम लोगों को, वही सामान आज लेना है इनको। तो हम लोग भी साथ में आ गए हैं, राजवीर भी आया है, और राजवीर देखिए एक एक चीज़ को कितना जिज्ञासा से देखता है कि बड़े पापा कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिर पूछेगा ये क्या है वो क्या है। पूरा फिर खा गया ब्लैक वाला ना आया हुआ हल्का देना पिए आएगा तो गिरा दिया बेटा, ले आए तो तुम देखो क्या नंबर का। तो सारे काम हो चुके हैं यहाँ के, हम लोग घर जा रहे हैं। और ये जो शॉप है दोस्तों, ये हमारे जान पहचान के ही हैं, और यहाँ की सर्विस भी मुझे बहुत अच्छी लगी। इन लोग का जो बिहेवियर था, ऐसे तो कस्टमर के साथ जो शॉपकीपर होते हैं उनका व्यवहार तो अच्छा होता ही है, पर यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। लगा ही नहीं कि मैं इनके साथ पहली बार आई हूँ, सभी ने बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया हमें। तो सामान ले चुके हैं हम लोग घर चलेंगे। राजवीर अभी उठा हुआ है ना, राजवीर उठ गया बड़े पापा से, बोल रहे हैं हमको पार्क ले चलिए, झूला झुलाने ले चलिए। देखिए राजवीर उठ गया है, कौन सा पार्क जाएगा सुनू, कौन सा पार्क जाना है बता दो बड़े पापा को। नहीं बोलेगा, नहीं बोलना है। अच्छा देखते हैं कोई पार्क अभी है खुला हुआ, वहां झूला झुला देते हैं राजवीर को। राजवीर नहीं, बंद करो ना, मूड ऑफ हो गया राजवीर का। ये पार्क है दोस्तों, यहाँ सोचे थे हम लोग कि राजवीर को झूला झुलाएंगे, पर पार्क तो बंद है। क्या करे बेटा, पार्क बंद है ना, हम लोग के लिए नहीं ना खोलेगा, कोरोना से सब बंद है। राजवीर आएंगे ना बाद में आएंगे, ठीक है राजवीर, तुम तो समझदार बच्चा है, पार्क बंद है तो कैसे झूलेंगे हम लोग, क्या करें बताइए। राजवीर को मैंने और पतिदेव ने बहुत ही मुश्किल से मनाया है दोस्तों, इसने बड़े पापा से प्रॉमिस लिया है कि आप संडे को मुझे कहीं घुमाने ले चलिएगा, तो तब माना है जाके ये। बहुत भारी है।
अभी शाम का समय है और सरोज दीदी आई है हमारे यहाँ। आपने अधिकतर ब्लॉग में देखा होगा सरोज दीदी को, रिश्ते में हमारी ननद लगती हैं ये और हमारे गांव से ही हैं। तो जब भी समय मिलता है, मिलने का मन करता है, तो सरोज दी आ जाती हैं। तो अभी सरोज दी आई हुई हैं, चाय पी रही हैं। और देखिए दोस्तों, शाम 7 बजे से आज माँ सरस्वती का विसर्जन भी शुरू हो गया है। आपने अगर मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो मैंने आपको दिखाया था, यहाँ हमारे एरिया में 2-4 जगह पे सभी जितने भी विद्यार्थी हैं, हमारे मोहल्ले के बच्चे हैं, सबने मिलकर सरस्वती पूजा की थी बहुत धूमधाम से। तो आज माँ का विसर्जन है, तो देखिए सभी नाचते गाते हुए माँ को विसर्जन के लिए ले जा रहे हैं। सरस्वती माँ का विसर्जन भी हो रहा है और साथ साथ हमें प्रसाद भी मिल रहा है। देखिए ये 2 जन हैं, ये लोग सभी को प्रसाद दे रहे हैं। सारे वर्कर्स भी काम करके जा चुके हैं और लकड़ी का काम चल रहा है अभी। तो देखिए लकड़ी का काम होने के बाद भी घर कितना गंदा होता है, बहुत सारे डस्ट उड़ते हैं, बहुत सारी जो लकड़ियां कटती हैं दोस्तों वो पूरा जमा हो जाता है। तो सबको झाड़ू दे के फिर हम लोग एक जगह जमा करते हैं, फिर पापा माँ बाहर इसको ले जा रहे हैं और सबको जला दे रहे हैं, जहाँ कचरा हम लोग जलाते हैं वहाँ पर जला दे रहे हैं। तो वही सारे अभी जो लकड़ी के टुकड़े हैं सबको जमा कर रही हूँ मैं झाड़ू दे के। और दोस्तों अभी मिला है मुझे मेरा फुर्सत का पल, जी हाँ अभी मिला है। तो मैं जा रही हूँ, 2-3 शॉर्ट्स बनाऊंगी एक्टिंग के, गाने के। दोस्तों मिलती हूँ बहुत जल्द आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक प्लीज अपना ख्याल रखिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय एंड टेक केयर। देखिए दोस्तों हम लोग लकड़ी का टेबल बनवा रहे हैं, तो देखिए इसके नीचे बैठ के राजवीर कैसे खेलता है, काम चलते रहता है और वो यहाँ खेलते रहता है बहुत अच्छा लगता है देख के, खूब खुश होता है ये, इसमें घुस के बैठ जाता है, फिर बोलता है मुझे ढूंढो मैं कहाँ हूँ।